नमस्कार। दृढ़ संकल्पित लोगों के उदाहरण के रूप में यदि वर्तमान में देखने जाएं, तो कुछ नाम हमारे सामने आते हैं, जैसे प्रीति श्रीनिवासन, साई प्रसाद विश्वनाथन, सुधा चंद्रन आदि। और आज हम आपको सुधा चंद्रन जी के जीवन से रूबरू कराएंगे। जिंदगी में आपको चाहे जो भी अचीव करना हो, उसे आप अचीव कर सकते हैं। हालांकि पहले मुझे लगता था कि उसके लिए तीन चीजें बहुत जरूरी होती है। फर्स्ट, फिट बॉडी और माइंड। सेकंड, डिटर्मिनेशन। और थर्ड, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन। और अगर ये तीनों चीजें किसी के पास हो, तो उसके लिए जिंदगी में कुछ भी पाना आसान होता है। लेकिन आज जिनकी कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूं, वो कहानी जानने के बाद मेरा परसेप्शन काफी बदल गया है। और अब मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के दम पर आदमी जो चाहता है उसे पा सकता है, फिर चाहे बॉडी अनफॉर्चुनेटली अनफिट ही क्यों ना हो जाए। तो आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है लगभग 50 साल पहले से। जिस उम्र में नॉर्मली बच्चियों को गुड़ियों से खेलना अच्छा लगता है, उस उम्र में एक 5 साल की बच्ची सिर्फ और सिर्फ डांस करना चाहती थी, क्योंकि उसे बड़ी होकर एक बहुत अच्छी डांसर बनना था। बेटी के टैलेंट को देखते हुए उसके पेरेंट्स उस बच्ची को मुंबई की एक अच्छी सी डांस एकेडमी में लेके गए। लेकिन वहां इतने छोटे बच्चे को एडमिशन देना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए पेरेंट्स को बच्ची को बाद में लाने के लिए कहा गया। अपनी बेटी को इतना उदास देखकर पेरेंट्स ने वहां के एक टीचर से रिक्वेस्ट की और एक बार बच्ची का डांस देखने के लिए कहा, और कहा कि उसके बाद आपकी जो इच्छा हो वो आप कीजिएगा। बच्ची का मन रखने के लिए टीचर तैयार तो हो गए, लेकिन खुद टीचर को नहीं मालूम था कि इस बच्ची का डांस देखने के बाद वो अपने आप को एडमिशन देने से रोक नहीं पाएंगे। और इस तरह डांस एकेडमी में सुधा चंद्रन की एंट्री हो ही गई। सुधा अपने गुरुजी से लगातार डांस सीखती रही और 21 साल की उम्र तक वो लगभग 75 से भी ज्यादा स्टेज शो कर चुकी थी। और सुधा को अपने डांस के लिए कई सारे अवार्ड्स भी मिल गए थे। सुधा को अपना सपना तेजी से पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। उसे अपने दोनों पैर देश के बड़े बड़े स्टेजों पर थिरकते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभी किस्मत हमसे 2 कदम आगे चलती है। हुआ यूं कि एक बार सुधा अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही थी, तभी एक बड़ी सी गाड़ी ने आकर उनकी गाड़ी को जोर से टक्कर मार दी। सुधा के दोनों पैरों में चोट लगी, उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। और इस एक्सीडेंट के बाद सुधा को मेडिकल टीम के ऑब्जर्वेशन में रखा गया, लेकिन उनके सीधे पैर में जो कट लगा हुआ था, अनफॉर्चुनेटली वो घाव एक्सपर्ट से इग्नोर हो गया और सुधा के पैर में सेप्टिक होने के कारण गैंग्रीन हो गया। क्योंकि गैंग्रीन के कारण पूरी बॉडी में सेप्टिक फैल जाता है, इसीलिए डॉक्टर की एडवाइस पर उनके माता पिता ने एक बहुत ही टफ डिसीजन लेते हुए डॉक्टर को सुधा के इस पैर को काटने की परमिशन दे दी। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। आपको लगेगा कि ऐसे कैसे कोई इतना बड़ा डिसीजन ले सकता है, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही समझ सकते हैं। पेरेंट्स तो किसी भी हाल में अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, और सुधा के पेरेंट्स ने भी वही किया। अपने एक पैर को खोकर जीना कितना मुश्किल होगा हम सोच भी नहीं सकते। और सुधा के लिए तो उनके पैर अपना सपना पाने का जरिया थे। पैर के बिना डांस करना इम्पॉसिबल था, और डांस के बिना तो सुधा जैसे जीना ही नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी
किसी तरह सुधा ने अपने माता पिता की खातिर जिंदगी को किसी भी हाल में जीने का टफ डिसीजन लिया, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को दुखी देखना ही नहीं चाहती थी। और अब उनके पास एक ही रास्ता था कि किसी भी तरह अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था। सुधा दिन रात बिस्तर पर पड़ी हुई अपनी किस्मत को ब्लेम करती रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक उनकी नजर न्यूज़पेपर में आए एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी। उन्होंने पढ़ा कि शहर में कोई डॉक्टर आए हैं जिन्होंने प्रोस्थेटिक लेग बनाया है। सुधा को लगा कि शायद ये प्रोस्थेटिक लेग उनकी भी मदद कर सके। सुधा डॉक्टर से मिली और डॉक्टर ने उनका इंजर्ड पैर देखने के बाद उन्हें कॉन्फिडेंस दिया कि वह प्रोस्थेटिक लेग की हेल्प से दोबारा चल सकेगी। लेकिन सुधा को सिर्फ चलना नहीं था, सुधा को फिर से डांस करना था। डांस के लिए सुधा के डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन को देखते हुए डॉक्टर ने सुधा के लिए एक स्पेशल प्रोस्थेटिक लेग डिजाइन किया जिससे सुधा को डांस करने में मदद मिल सके। प्रोस्थेटिक लेग को सुधा के पैर में फिट करते हुए डॉक्टर ने उनसे कहा कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपको अपनी मेहनत और लगन से इस पैर को डांस में ट्रेंड करना है। रिकवरी के बाद सुधा ने अपने इस प्रोस्थेटिक लेग की मदद से धीरे धीरे चलना शुरू किया और फिर डांस की प्रैक्टिस करना शुरू की। कहना बहुत आसान है, लेकिन घाव से कटे पैर पर प्रोस्थेटिक लेग पहनकर चलना और डांस करना इतना आसान काम नहीं था। बार बार उनके पैर से खून निकलने लगता, लेकिन सुधा ने किस्मत के आगे हार नहीं मानी और वो अपने इस पैर से प्रैक्टिस करती रही। और कुछ समय के बाद सुधा ने अपने नए पैर को डांस में ट्रेंड कर ही दिया और एक दिन सुधा को फिर से डांस करने का मौका मिला। सुधा का परफॉर्मेंस होने वाला था, इधर पूरा हॉल लोगों से भरा हुआ था और सुधा का मन घबराहट और डर से भरा था। ये सुधा की फाइनल एग्जाम थी, लेकिन सुधा के डिटर्मिनेशन ने उनके अंदर की सारी घबराहट को दूर करके उन्हें स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रोस्थेटिक लेग की मदद से डांस करते हुए किसी इंसान को लाइव देखना वहां आए हुए लोगों के लिए कितना इंस्पायरिंग था। ये लोगों ने अपनी तालियों से जता ही दिया। हर कोई सुधा के डिटर्मिनेशन और विल पावर की तारीफ कर रहा था। और इस तरह सुधा ने पैर कट जाने के बाद भी प्रोस्थेटिक लेग की मदद से अपने सपने की तरफ फिर से कदम बढ़ाई लिया। सुधा की कहानी से इंस्पायर होकर तेलुगु डायरेक्टर ने उनकी जिंदगी पर एक बायोग्राफी भी बनाई जिसमें सुधा ने खुद अपना रोल प्ले किया और नेशनल फिल्म अवार्ड्स की स्पेशल जूरी कैटेगरी में इस फिल्म के लिए सुधा को अवार्ड भी दिया गया। इस फिल्म को सक्सेस मिलने के बाद सुधा की कहानी को हिंदी में भी नाचे मयूरी नाम से बनाया गया। हम और आप सालों से सुधा चंद्रन जी को कई सारे सक्सेसफुल टेलीविजन शोज में भी देखते हुए आ रहे हैं और सबसे बड़ी सरप्राइज की बात यह है कि उन्होंने आज भी डांस करना नहीं छोड़ा है। कमाल है ना, सुधा जी का डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन। सुधा जी ने इस बात को सही साबित कर दिया कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है और किसी भी हाल में वो अपने सपने को पा सकता है। बस इसके लिए कुछ कीमत चुकानी होती है, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अनकंडीशनल हार्डवर्क करना पड़ता है और फिर सफलता खुद ही आकर आपके कदम चूमती है। धन्यवाद।